दोस्तों मुझे आज एक फ्रेंड मिला एंड वो मुझे कहता है, समीर भाई आज मैंने कोई एनजीओ में डोनेशन किया था ना, कितने रुपए का? 50,000 रुपीज की उनको सेवा की जरूरत थी कोरोना में, उनको मैंने डोनेट किया ना। कैसे किया? ना कैश में कर दे, क्या मुश्किल है? उसको मैंने आइडिया दिया, अगर तू यही पैसे अगर तू डोनेट चेक से करता तो तुझे इनकम टैक्स में टैक्स का फायदा मिलता। वो सोच में पड़ गया, ये क्या मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल सही है, हम मोस्टली चैप्टर 6A के अंदर ATC ATD ये सब की बातें करते हैं, हम कभी ये नहीं देखते कि ATG क्या है। ATG दोस्तों सेक्शन है जहाँ पे हम डोनेशन अगर हम देते हैं किसी NGO या ट्रस्ट को जो 12AA एंड ATG में रजिस्टर्ड हो, उसमें आपको 50% का बेनिफिट मिलता है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। एंड ऐसे भी है ट्रस्ट जहाँ पे आपको 100% का बेनिफिट मिलता है। एंड अगर हम वही पैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट करते हैं जो सेक्शन ATGGB एंड GGC होता है, तो उसमें 100% का आपको बेनिफिट मिलता है, बट उसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन सोच के करना चाहिए, मैं यही कहूंगा हमेशा, कि अगर आपको लगता है कि आपको पार्टी बेनिफिट देगी तो ही। बाकी अगर बहुत से लोग जो डोनेशन कर रहे हैं ATG ये सब में, उनके लिए यही है कि एटलीस्ट अगर 2000 से ऊपर का डोनेशन करते हो, मस्ट पे बाय चेक एंड नॉट बाय कैश, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलना फिनटेक चाणक्या।